हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनी एंड रिकी। तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो अब हम जा रहे हैं, पिछली वीडियो में देखा आपने हम मूटार्ट में घूमे, अब हम जा रहे हैं रॉयल अल्बर्टा म्यूज़ियम। तो वो डाउनटाउन में पड़ता है, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ के टिकट हमने एक हफ़्ते पहले ही बुक करा लिए थे। आज है फैमिली डे, तो कोई भी टिकट नहीं लगेगा, मूटार्ट में लगा था, है ना। तो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ 2:15 का हमारा टाइमिंग है और अभी बज रहे हैं आई थिंक 1:00 और 1:15। तो यहाँ से तो बस 5-10 मिनट का ही मेट्रो से रास्ता है, तो उस वहाँ पहुँचते हैं। रॉयल अल्बर्टा म्यूज़ियम के बारे में बताएं तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स रहती हैं। जैसे कि वहाँ पे डायनासोर्स के बारे में बताएंगे, स्टोन एज के बारे में बताएंगे, आइस एज के बारे में बताएंगे, है ना। और बाकी क्या क्या है वो वहाँ पे आपको जाके दिखाते हैं। और दूर उधर से मेट्रो हमारी आ रही है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, स्कीइंग हो रही है यहाँ पे। सिया देखो, वो सामने से ट्रेन आने वाली है। मैं गिनता हूँ, 3 1 2 एंड 2 1/2 3। यस, देखा मेरे जादू, गजब तू भी बाज आदमी, देखा दिया तुमने, खींच ली जादू से। किया था कि यार, नहीं नहीं, उससे पहले मैंने काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी, देख लिया होगा। कहाँ से देखा होगा, अरे यार मेरे अंदर सुपर नेचुरल पावर्स है भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया। चलो ओके। तो चर्चिल स्क्वायर पे हम पहुंच गए हैं। तो हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम जब रात को यहाँ पे घूम रहे थे तो चर्चिल स्क्वायर पे शांत पड़ा था, और जब कोई स्पेशल डे होता है तो यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा होता है। तो आप देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत फन हो रहा है इस टाइम पे, म्यूजिक चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। देखो सी, यहाँ पे चेस है, कितने बड़े बड़े हैं देखो इसमें। आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। तो चर्चिल स्क्वायर पे थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद अब हम जाने रॉयल अल्बर्टा म्यूज़ियम की तरफ। काफ़ी लेट हो गए हम, 2:15 पे है, ऑलरेडी 2:10 हो चुके हैं आई थिंक। जस्ट 5 मिनट्स हमारे पास, गाइस रन रन रन, भागो, लेट हो रहे हम। तो टाइम से हमने एंट्री ले ली है, पहले जाते हैं हम ह्यूमन हिस्ट्री में, ये 2000 साल पुराना है। अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ कि 1 घंटे में बंद होने वाला है ये, और हमारा काफ़ी कुछ रह रहा है, तो जल्दी जल्दी घूमते हैं। तो ये अलग अलग प्रोविंस के हैं, जो फॉसिल जहाँ से मिला था, ये वाला पुणे का है, ये बड़ा वाला, और ये फ्लोरोसेंट है, ये रात को चमकते भी हैं अंधेरे में, ये अंधेरे में ऐसे चमकते हैं। नहीं हो रहा ना कुछ भी, क्योंकि बेटा इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी होल्ड कर सकता है ये वाला पत्थर, और बाकी नहीं कर सकते कोई भी। ये अमेरिकन लायन है, जॉइंट बाइसन। अब हम जा रहे हैं बग गैलरी में, आपके छोटी छोटी फीचर्स होंगे। ये यहाँ की गिफ्ट गैलरी है, तो कुछ आपको पसंद आए तो ले भी सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मली आइटम्स महंगे होते हैं, $80 की जैकेट है। तो ये था रॉयल अल्बर्टा म्यूजियम का टूर,
तो हम सोच रहे थे कि आर्ट गैलरी भी कवर कर ले। आर्ट गैलरी के लिए टाइम एक्चुअली निकल चुका है, लास्ट एंट्री होनी थी वहाँ पे 4 PM और अब बज रहे हैं 4:10। तो हमने सोचा कि चलो ये नहीं तो हम आपको अब लाइब्रेरी दिखा देते हैं। ये रही लाइब्रेरी, कहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री है। हाँ चलो गेम सेक्शन में आपको दिखा देते हैं। इसे ऊपर करो बॉल को जैसे जिया दीदी कर रही है, खड़ा करो सीधी लाइन में। सी 100 points। सी आप ना बॉल फेंक के दूसरे वाले के कोर्ट की भी कर दिया आपने 200 points। सी आपका टाई हो गया दोनों का 2500 2500। तो यहाँ बच्चे के लिए गेमिंग जोन बनाया हुआ है, तो ये कुछ स्पेस से रिलेटेड है। तो बच्चे यहाँ पे अपना बैठ के कुछ स्पेसशिप चला रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ कुछ, तो सी यहाँ पे थोड़ी देर खेल सकती है। तो जी यहाँ पे इशू भी करा सकते हैं बुक कुछ पढ़ने के लिए। हाँ, तो चार्जेबल है वो इशू करा कुछ कार्ड मेरे पास है, लाइफ लॉन्ग कार्ड है। तो इस लाइब्रेरी में आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं और बुक भी इशू करा सकते हैं। तो और बुक इशू कराने के लिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी कार्ड बनवाना पड़ता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और उसको उससे आप बुक इशू करा सकते हैं और उसके कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। तो यहाँ पढ़ने से रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड जो है चीज़ें फ्री है। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ गेम्स भी लगाए हुए हैं बच्चों के लिए, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं। ये 3D प्रिंटर है, ये जो मेरे स्कूल में प्रूसा प्रिंटर है ना, इसमें खेलेंगे क्या, कैसे करेंगे? हाँ, जैसे ये गेम नहीं है, ये बनाने का है। यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस की बुक है, ये अरेबिक है, ये बंगाली, चाइनीज, हिंदी में भी होगी, और ही हिंदी चतुर बीरबल। ये प्ले जोन है बच्चों का। ओ उसी है देखो, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। सो बेसिकली आप इधर क्लास बुक कर सकते हो, स्पेशल इवेंट्स होते हैं, कुकिंग क्लासेस। ये चेस हैं और प्यादे इसके कैसे अजीब तरीके के हैं, मुझे तो पहचान में भी नहीं आ रहा कौन सा प्यादा क्या है। ये तो पोनीज हैं, ये तो इतना पता है मुझे। तो यहाँ पे जो आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो 3D में, तो बच्चे यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं, फिर उसका 3D में प्रिंट करेंगे। यहाँ से चर्चिल स्क्वायर का व्यू आ रहा है। तो ये वाला फ्लोर बड़ों का है, यहाँ पे बच्चे नहीं हैं, तो और इस पे साइलेंस भी है। मोदी जी, मोदीज इंडिया, हिंदू नेशनलिज्म एंड द राइज ऑफ एथनिक डेमोक्रेसी। तो लाइब्रेरी घूमने के बाद भूख लग गई थी काफ़ी तेज, तो यहाँ पे पास में ही रेमेडी कैफ़े है जहाँ पे इंडियन सामान काफ़ी मिलता है, जैसे सामने है चाय, समोसा, तो समोसे, और हमने चाय ली थी, समोसे के नाम पे समोसी है ये। $10 का है। हाँ, एक जादू दिखाता हूँ आप सभी को, देखो अभी अंधेरा है स्काई में, गिली गिली छू, देखो स्काई में लाइट आ गई। मैं आपको एक स्ट्रेंज चीज दिखाता हूँ, अब रात हो चुकी है, यहाँ स्काई देखो बिल्कुल अंधेरा है ना, और अभी देखना इसके अपोजिट डायरेक्शन में, उधर देखो उधर रोशनी है, इधर अंधेरा इधर रोशनी, इधर अंधेरा इधर रोशनी, है ना। और ये कोई एडिट नहीं करी है मैंने वीडियो, ये विदाउट एडिट कंटिन्यू वीडियो है ये। सो इट्स बीन अ लॉन्ग डे, है ना। तो वापस LRT में बैठ गए हैं, लास्ट स्टेशन 102 स्ट्रीट से, तो बस अब चलते हैं वापस घर। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो लोग नए जुड़े वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।